अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर कंप्यूटर ऑफ क्लास 3, सो लेट्स स्टार्ट। सो हेयर इट इज़ अवर कंटेंट्स लिस्ट ऑन यूनिट नंबर 1। हेयर इज हाउ टू टेक केयर ऑफ योर कंप्यूटर ऑन पेज नंबर 3। सो हेयर इट इज यूनिट नंबर 1, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर कंप्यूटर। Your computer is of great help to you. You must take care of it. Here are some tips that will help you take care of your computer. आपका जो computer है वो आपकी बहुत मदद करता है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। अब यहाँ पर नीचे आपको कुछ tips दिए गए हैं जिसकी मदद से आप अपने computer का ख्याल रख सकते हैं। Number one is keep your PC cool. Keep your computer in a well-ventilated area. By doing this, you help keep the PC cool. It will prolong the life of your hardware. अपने कंप्यूटर को हमेशा हवादार एरिया में रखा करें। इससे क्या होगा, आपका पीसी जो है कंप्यूटर वो ठंडा रहेगा और उसके हिस्सों की जो है ज़िंदगी बड़ी हो जाएगी, मतलब वो लंबा अरसा चलेंगे। Number two, keep your computer clean. Keep your computer clean, dust it often or keep it covered with clean cloth. Each day, clean it once before starting your work. Keep the work area also clean. आप हमेशा अपने कंप्यूटर को साफ़ सुथरा रखा करें, उसके ऊपर से मिट्टी झाड़ा करें, उसको साफ़ कपड़े से ढक दिया करें और अपना जो जहाँ पर आपने कंप्यूटर रखा हुआ है या जो काम जहाँ पर आप कर रहे हैं वो भी अपनी जगह आप साफ़ सुथरी रखा करें। टर्न द पेज स्टूडेंट्स, कीप फूड एंड ड्रिंक्स अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर। Do not bring food or drink near your computer. Do not spill anything on the computer. Eat and drink away from your computer. अब अपने खाने की जो चीज़ है या पीने की जो चीज़ें हैं वो अपने कंप्यूटर के पास नहीं लाया करें ताकि वो उसके ऊपर गिर ना जाए। अपने कंप्यूटर से दूर खाया पिया करें। Number 4, do not drop your computer. Do not drop the keyboard or the mouse. Similarly, do not drop anything on the computer. Do not leave your computer on the edge of your desk or table. अपने कंप्यूटर को या उसके किसी भी हिस्से को नीचे नहीं गिराना चाहिए, ना ही उसे टेबल के कोनों पर रखना चाहिए ताकि वो गिर सके। Number 5, use your computer gently. Do not push your computer uselessly. Type gently. Do not press the keys hard. Similarly, do not press mouse buttons hard. अपने कंप्यूटर को बिला वजह धक्का ना दें, उसे आराम से चलाएं, उसके जो बटन्स वगैरह हैं उन्हें आराम से इस्तेमाल करें और माउस के भी बटन्स को ज़्यादा ज़ोर से मत दबाएं। कम ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। नंबर 1, Use devices properly. अब हमारी ये सारी चीज devices हैं, उनके uses दिए गए हैं ताकि हम उन्हें सही से इस्तेमाल कर सकें। Number 1, do not insert needles etc in the holes in the computer. अपने जो कंप्यूटर में होल्स होते हैं उनमें सुइयां या कोई भी नुकीली चीज़ उसके अंदर ना डालें। Do not put anything other than a disk in the disk driver. Disk डालने की जगह पर कोई और चीज़ मत डालें। Hold disk by the edges. Disk को उसके कोनों से पकड़ा करें। Keep device in good condition. अपने जो devices हैं उन्हें अच्छी conditions में रखें। Do not use damaged cables. ख़राब cables मत इस्तेमाल करें। Keep magnets away from your computer and disk. Magnets can erase data on your computers or CDs. Magnets को अपने computer से या अपनी disk से दूर रखें क्योंकि ये आपके disk या CD पर computer पर जो भी data होता है उसे खराब कर देता है। Turn the page students. Shut down your computer properly. Number 1, close all programs before you shut down your computer. आप जो भी मतलब प्रोग्राम्स वगैरह यूज़ कर रहे थे अपने कंप्यूटर को उन्हें पहले बंद करें
Save your work often. You can thus avoid problems of an unexpected shutdown. अपना जो काम कर रहे हैं आप उसको जल्दी जल्दी आप सेव कर लिया करें ताकि कहीं कोई मतलब कंप्यूटर बंद ना हो जाए. प्रोटेक्ट द LCD. LCD को हमेशा साफ़ सुथरा रखें. प्रोटेक्ट द LCD डिस्प्ले. अवॉइड टचिंग द LCD स्क्रीन दैट लीव्स फिंगरप्रिंट्स. रेगुलरली क्लीन इट विद सॉफ्ट क्लॉथ. अपने LCD स्क्रीन को हमेशा महफूज रखें. उसे टच करने से गुरेज करें क्योंकि उस पर हम जब हाथ लगाते हैं तो हमारे फिंगरप्रिंट्स उस पर रह जाते हैं. उसे रोज़ साफ़ कपड़े से क्लीन करें. कम दैट्स ऑल अबाउट अवर एक्सरसाइज. अब हम इसकी दैट्स ऑल अबाउट इट्स रीडिंग. अब हम इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स कम ऑन नेक्स्ट पेज. सो स्टूडेंट्स दिस इज द पेज ऑफ अवर एक्सरसाइज नंबर ए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर वन, हाउ कैन यू कीप योर कंप्यूटर क्लीन. आप अपना कंप्यूटर साफ कैसे रख सकते हैं. कवर योर कंप्यूटर आफ्टर शट डाउन एंड डस्ट इट बिफोर स्टार्टिंग इट. यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पूरा लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट केयर शुड यू टेक व्हाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग नियर योर कंप्यूटर. अपने कंप्यूटर के आसपास खाने या पीने के वक्त आप क्या एहतियात कर सकते हैं. बेटर कीप ईटेबल्स एंड ड्रिंक अवे फ्रॉम कंप्यूटर एंड डू नॉट स्पिल एनीथिंग ऑन कंप्यूटर. अच्छा होगा कि आप अपने खाने की चीज़ें और पीने की चीज़ें अपने कंप्यूटर से दूर रखें ताकि वो कोई गिर ना जाए. हम पूरा लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ टू शट डाउन योर कंप्यूटर प्रॉपरली. क्लोज ऑल प्रोग्राम्स फर्स्ट एंड देन शट डाउन. अपने कंप्यूटर को हम कैसे सही से बंद करें. आंसर है अपने सारे प्रोग्राम्स को पहले बंद करें फिर शट डाउन करें. ये भी हमारा पूरा आएगा. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई शुड यू नॉट टच द LCD स्क्रीन. हमें अपने LCD स्क्रीन को क्यों नहीं हाथ लगाना चाहिए. आंसर, योर टच विल लीव फिंगरप्रिंट्स ऑन इट. आपका छूने से उसके स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट्स रह जाएंगे. तो ये भी हमारा पूरा आएगा. क्वेश्चन नंबर फाइव, मेक थ्री सजेशंस टू यूज डिवाइसेस प्रॉपरली. नंबर वन, डू नॉट अब यूज डैमेज्ड केबल्स. नंबर टू, होल्ड डिस्क बाय द एजेस. नंबर थ्री, कीप डिवाइसेस क्लीन. अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसी तीन चीज हमें सजेशंस दें ताकि हम अपनी डिवाइसेस को अच्छे से यूज़ कर सकें. पहला है हमारा आंसर है हमारा फिर उसका पहला ऑप्शन है अपनी मतलब ख़राब हुई जो तारें हैं वो यूज़ ना करें. हमेशा डिस्क को उसके कोनों से इस्तेमाल करें और अपनी डिवाइसेस को हमेशा साफ रखें. यह हमारा ए एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है. सो आपने क्वेश्चन नंबर वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव ये इनके आंसर समेत आपने अपने फेयर कॉपी पर उतारने हैं. वी विल सॉल्व अवर बी एक्सरसाइज हियर. फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स. नंबर वन, कीप योर कंप्यूटर इन अ वेल डैश एरिया वेंटिलेटेड एरिया. नंबर टू, डू नॉट डैश एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर स्पिल. नंबर थ्री, डू नॉट प्रेस डैश बटन्स हार्ड माउस. Number four, hold disk by the dash edges. Number five, dash can erase data on your computer. Magnet can erase your data on your computer. यहाँ पर नीचे words दिए गए हैं. मैंने यहाँ पर fill in the blanks में आपको guide करने के लिए लिख भी दिए गए हैं. So turn the page students. So our next exercise is C. टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट. सही हमारे जवाब को टिक करना है और रॉन्ग को फॉल्स करना है. नंबर वन,
कीप द वर्क एरिया क्लीन, अपने काम के जगह को हमेशा साफ रखा करें। अब ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू, क्योंकि हमें अपने काम के एरिया को हमेशा साफ रखना चाहिए। नंबर टू, ईट एंड ड्रिंक नियर योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर के इर्द गिर्द खाया या पिया करें। सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि हमें उसमें नहीं खाना चाहिए उसके आसपास। नंबर थ्री, स्ट्राइक हार्ड ऑन द कीबोर्ड, अपने कीबोर्ड को ज़ोर से प्रेस किया करें। फॉल्स, क्योंकि नहीं करना चाहिए, इससे हमारा कीबोर्ड ख़राब हो सकता है। नंबर फोर, डू नॉट इंसर्ट नीडल्स ETC इन द होल्स इन द कंप्यूटर। ट्रू, क्योंकि इससे हमारा जो है कंप्यूटर ख़राब हो सकता है, हमें उसमें अंदर नहीं डालनी चाहिए कुछ भी। नंबर फाइव, कीप ऑल प्रोग्राम्स ओपन बिफोर यू शट डाउन योर कंप्यूटर, अपने सारे प्रोग्राम्स कंप्यूटर को बंद करने से पहले ऑन रखा करें। फॉल्स, क्योंकि हमें बंद करना चाहिए, इससे हमारा शट डाउन ईजीली हो सकता है। सो आपने ये भी अपने कॉपी पर उतारनी है इसी तरीके से। नंबर डी इज स्किप्ड, ये आप नहीं करेंगे, यह हमने काट दी है। सो कम ऑन नेक्स्ट पेज, इट इज ई, मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करें। सो कॉलम ए के जो वर्ड्स हैं उन्हें हमें कॉलम बी के साथ सूटेबल वर्ड्स से मैच करना है। सो नंबर वन इज़ वेंटिलेटेड एरिया, इसे हम कूल पीसी से मैच करेंगे। वेंटिलेटेड एरिया से क्या होता है, हमारा पीसी ठंडा रहता है। नंबर टू इज़ फूड और ड्रिंक, इसे हम नंबर फोर से करेंगे, अवे फ्रॉम द कंप्यूटर। नंबर थ्री, डू नॉट प्रेस माउस बटन्स, इसे हम नंबर टू से करेंगे, हार्ड। नंबर फोर, क्लोज ऑल प्रोग्राम्स, इसे हम नंबर वन से करेंगे, बिफोर शट डाउन। अब ये भी आपने अपनी कॉपी में इसी तरह से उतारनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।